करके राजनीति को हवा दे दी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब वो लद्दाख में है, लेकिन यूपी की सियासत में, खासतौर पर यूपी के आप केंद्र हम कहें क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, राहुल गांधी का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और अमेठी की जनता के लिए ये कहा जा रहा है कि वो अपनी की हुई गलती को सुधारेगा। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि अब जमानत भी नहीं बच पाएगी अगर इस बार राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते हैं तो। मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि 80-90 के दशक में जब अमेठी में गरीबी, बेरोजगारी और कृषि की बड़ी समस्या हुआ करती थी, तब राजीव गांधी जी ने वहां से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और अमेठी के समावेशी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अमेठी से राहुल गांधी जी का रिश्ता सिर्फ नेता और मतदाता का रिश्ता नहीं, यह साझा इतिहास का एक तरह से देखा जाए तो कई दशकों की मजबूत नींव पर बना हुआ आत्मीय संबंध है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। राजीव गांधी जी से राहुल गांधी जी तक गांधी परिवार ने अरे राजीव सदैव गांधी ने अमेठी उससे की पहले जनता संजय का गांधी भी वही प्रतिनिधित्व चुनाव लड़े किया थे। है और अपने निर्वाचन क्षेत्र को उन्होंने नहीं बदला। मैं वही बात कह रहा हूँ, बीच में आपने टोक दिया, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक गहरा नाता वहां से रहा है और अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने जो वहां के लोगों से वादे किए उस वादे पर वो खरा नहीं उतरी। अमेठी के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया, उसकी प्रगति को रोकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2014 से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट संकेत अमेठी में देखने को मिले हैं। राहुल गांधी जी द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं को अमेठी में रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया या अमेठी से बाहर भेज दिया गया। राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर किए गए इन प्रयासों से अमेठी के लोगों में वो काफी कौन कौन सी निराशा है, परियोजनाएं भाजपा जरा को वो भी लेकर बता दीजिए। आक्रोश भी है। मैं वही परियोजना की ही बात कर रहा हूँ, उचाहार सालोन परियोजना, अमेठी को जो जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का काम था रोक दिया गया। 11 साल से वहां IIIT बन रहा था जिसको रोक दिया गया। 2 नए केंद्रीय विद्यालय का कार्य विलंब कर दिया गया। यदि ये बन गया होता तो हजारों छात्र पढ़कर वहां से निकले होते। जगदीशपुर का मेगा फूड पार्क रद्द कर दिया गया और 200 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा करने वाली हिंदुस्तान पेपर मिल को अमेठी से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया। ये बताता है कि अमेठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कितना छलपूर्ण व्यवहार किया है और किस प्रकार के अमेठी के विकास को अवरुद्ध करने का कार्य किया है। सस्ती चीनी देने की बात स्मृति जी ने वहां किया था, सस्ते डीजल पेट्रोल देने की उन्होंने बात किया था, रोजगार देने की बात की थी और ठीक। हर मामले में टाइटाई फीस हो गई। तो वहां के लोगों में स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गहरा आक्रोश है और वहां के लोगों की ये मांग है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़े और राहुल गांधी जी यदि अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वहां के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें जिताकर वहां से सदन में भेजने का कार्य करेंगे। ये उम्मीद तो 2019 में थी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019 के बाद राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं और राहुल गांधी जी जहां उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को नापने का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप केवल एक अमेठी में कितनी बार गए ये प्रश्न यदि पूछते अरे हैं तो मुझे चंद्रेश लगता है कि जी, इस सवाल तरह का उठता है प्रश्न इसलिए जो कि है, गांधी परिवार, प्रेजुडाइस, गांधी और इसको अमेठी सुन एक दूसरे के लीजिए, पर्याय हुआ करते थे। अरे सुन तो लीजिए, उन्नीस सौ अस्सी अरे से गांधी सुनिए, परिवार आप के प्रवक्ता की सदस्य को भाषा जिता बात करके मत अमेठी करिए। की जनता सदन अरे में आप पहुंचा रही ऐसी है बात कैसे और कर सकते आप हैं? अरे सुनिए 2019 के तो बाद जब भाई, वहां पर नहीं जीत राहुल पाए तो गांधी जी ने, मैं सवाल अरे कर रहा हूं तो सुनिए आप कह रहे हैं तो, सवाल क्यों पूछ अरे रहे हैं? सुनिए, अरे आपका 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 सवाल ही गलत है। हाँ जहां राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लांग दिया, जहां राहुल गांधी जी पूरब से पश्चिम तक यात्रा करके भारत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, देश के तमाम अरे मुद्दे मेरा पर, सवाल मणिपुर गलत के है, मुद्दे जनता पर, का निर्णय महंगाई के गलत मुद्दे है, पर, केवल सच बेरोजगारी है के तो आप मुद्दे हैं और पर। राहुल गांधी सच है बस। मणिपुर भारत से अलग नहीं है, हाँ मणिपुर ये कांग्रेस का, हमारा सुन हमारा लीजिए, सीधा सा और मणिपुर तार्किक भारत से सवाल अलग इतना नहीं सा है है और ना ही चंद्रेश अमेठी जी, भारत से अलग है। अरे आपने मैंने नाप आपसे दिया, क्या हम कह कहा? रहे, मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा आप सवाल बोलिए, इतना, आप ही राहुल बोलिए गांधी पहले। कहां से चुनाव लड़ते रहे ये बताइए आप।
राहुल गांधी जी भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकते अरे वो तो हैं, कोई भी लड़ सकता है, केवल राहुल गांधी को अधिकार थोड़ा ना है, वो तो आपको भी अधिकार प्राप्त है कि आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा सवाल ये है, अरे सुनिए भाई, आप ये तय थोड़ी करेंगे राहुल गांधी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अरे हम क्यों तय करेंगे भाई, हम क्यों तय करेंगे, हमारा सवाल ही नहीं तय करेगी, राहुल गांधी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी। मैंने आपको पहले ही कहा, सुनिए मेरी बात अब पूरी हो जाने दीजिए। अरे सवाल में क्या कर रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी कहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, मेरा सवाल तो सुनिए आप, कहां से चुन आप बताइए। अमेठी से, ये लो आपको यही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है, वही बात। 1980 से आप फिर वही बात आप कर रहे हैं, शुरू से अमेठी से बात हो रही है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम अगर ये सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा, और 19 में पूछ ले कि 19 में अगर जनता ने उनको समय नहीं भेजा तो कितने बार दुख दर्द बांटने गए हैं।